खबर देहरादून से। ऑनलाइन व्यापार के विरोध में उत्तराखंड के व्यापारी अब लामबंद हो गए हैं। राजधानी देहरादून में व्यापारियों ने आक्रोश रैली निकाली और जीएमएस रोड पर रिलायंस स्मार्ट पर जाकर व्यापारिक नीतियों के विरोध में अपना आक्रोश जताया और धरना देकर विरोध किया। व्यापारियों का कहना है कि एमएनसी के ऑनलाइन व्यापार से हमको नुकसान हो रहा है। वहीं 1 जनवरी से जीएसटी के प्रस्तावित दरें बढ़ रही हैं। साथ ही केमिस्ट व्यापार को उजाड़ने की एमएनसी की साजिश हो रही है। इसके विरोध में आज राजधानी देहरादून में व्यापारियों ने अपने सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद रखा। और जिस तरीके से आज ये लोग भाग गए अपनी दुकानों को बंद करके, व्यापारी वो नहीं है जो कभी अपनी दुकान को छोड़ के भागेगा। व्यापारी कभी अपने मोर्चे को नहीं छोड़ेगा। और अगर ये लोग अनैतिक व्यापार करने से नहीं माने तो हम देश भर में, यहाँ तक कि राष्ट्र भर में, हमारी राष्ट्रीय व्यापार मंडल से भी बात हो गई और अनैतिक व्यापार के खिलाफ पूरे राष्ट्र में आंदोलन करना पड़ा तो वो भी करेंगे। और इनको हम ये चेतावनी देना चाहते हैं कि जैसे इन्होंने आज बंद किया है, ये हम लोगों के ये ना समझे कि कोई भी व्यापारी अकेला है, क्योंकि अभी तो लिए लड़ाई है आगे और ऐसा हुआ था कि नया कानून पास किया गया था, जो मंडी के अंदर व्यापार करेंगे उन पर मंडी लगेगी, जो मंडी के बाहर व्यापार करेंगे उन पर मंडी शुल्क नहीं लगेगा। अब ये कानून जो बदल दिया गया है उत्तर प्रदेश का कानून, अब मेरी जानकारी में उत्तर प्रदेश में नहीं लगा है, और हमारा जो उत्तराखंड है वो उत्तर प्रदेश की नकल करता है। उत्तराखंड ने लगा दी गई मंडी का मामला सीरियस है। आज खाद्यान्न व्यापारी होने भी गुना बंद है, में ये प्रदेश सरकार का मामला है। मुख्यमंत्री से मिलेंगे, मंडी अध्यक्ष से मिलेंगे, और इसका समाधान करवाएंगे। उद्योग व्यापार मंडल का आज आंदोलन हो रहा है, मुख्य तौर पे ये केमिस्टों के लिए हो रहा है। ऐसे मामले हमारे यहाँ चार हैं, एक मंडी समिति है, एक कपड़े पे जीएसटी लगा दिया गया है, एक जूते पे जीएसटी लगा दिया गया है। और जीएसटी के मामले सेंट्रल गवर्नमेंट के, मंडी का मामला प्रदेश सरकार का है। और ये जो हमारा विरोध है आज किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, हमारा विरोध ये जो ऑनलाइन स्टोर है, ये जो मल्टीनेशनल कंपनी है, ये धीरे धीरे इस तरह से प्लानिंग करती है। चाहे शुरू में 4 साल नुकसान दे